हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो एज 40 न्यू फ़ोन है, तो मोटो एज 40 न्यू फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में प्राइवेट फ़ोटोज़ एंड एल्बम्स को आप कैसे देख सकते हैं अपने फाइल्स पे जाकर, और कैसे अपने फ़ोन में प्राइवेट फ़ोटोज़ एंड एल्बम्स को देख पाएंगे अपने फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि प्राइवेट फोटोज़ एंड एल्बम्स को आप कैसे देख सकते हैं फाइल ऑप्शंस पे जाकर। तो बताने वाले हैं, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइकन से देख सकते हैं शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको जाना है फाइल ऑप्शंस पे। और क्लिक करते ही फाइल ऑप्शंस हैं आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगा, जिसका आप यूज़ करके अपने फ़ोन में प्राइवेट फ़ोटोज़ वगैरह को आप देख सकते हैं एंड आप शो भी कर सकते हैं। फाइल्स पे जाकर सिंपली इमेज गैलरी पे जाना है, और इमेज गैलरी पे जाकर जब आप फ़ोटोज़ को कुछ इस तरह से आप हाइड करते हैं या फिर छिपाते हैं, तो उनको आप कैसे देख सकते हैं अपने फाइल्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोटोज़ वगैरह को हाइड कैसे कर सकते हैं और कैसे शो कर सकते हैं फाइल्स में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपके पास ऑप्शन आता है फाइल ऑप्शंस। तो फाइल ऑप्शंस पे जाकर जो भी फोटोज एंड वीडियोस को हाइड करना चाहते हैं, छिपाना चाहते हैं, कैसे कर पाएंगे, कैसे देख सकते हैं, तो सिंपली सेव फोल्डर पे जाना है, पासवर्ड डाल देना है, और देख सकते हैं कि प्राइवेट गैलरी पे आप आ जाएंगे, जहाँ से प्राइवेट गैलरी में किसी भी फ़ोटो एंड वीडियोस को आप इस तरीके से मूव आउट भी कर सकते हैं, और मूव आउट करते स्क्रीन पे भी शो कर सकते हैं, या फिर किसी भी फ़ोटोज़ को आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी आप कर पाएंगे। तो आपको इस तरीके से फ़ोटोज़ एल्बम्स वगैरह को देख सकते हैं प्राइवेट में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें।